नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। 115 से ज्यादा एपिसोड पूरे हो चुके हैं इस कार्यक्रम के, आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम के, और हम बार बार बताते हैं कि चीर कर समंदर मोती निकाल लाऊंगी, याद रखेगी दुनिया, वो इतिहास बनाऊंगी। ऐसी बेटियों को हम सामने लेकर आते हैं। आज चलते हैं उत्तर प्रदेश। पति की मौत और दो बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी जब यहाँ की गुड़िया के लिए भारी होने लगी, तो इस बेटी ने स्कूटर की सवारी की और निकल पड़ी। आज वो सोलर चूल्हे और सोलर लाइट सुधारने का काम करने में जुटी है। कैसे गुड़िया सोलर दीदी बनी, देखिए आज के एपिसोड में। स्कूटर से गांव-गांव घूमकर लोगों के घरों को रोशन करती ये है कानपुर की रहने वाली गुड़िया। साल की गुड़िया सोलर लाइटें, सौर ऊर्जा की मदद से चलने वाले बिना धुएं का चूल्हा पंखा सुधारने का काम करती हैं, और लोग गुड़िया को सोलर दीदी के नाम से पुकारते हैं। 4 साल पहले अचानक पति की मौत हो गई, तो 2 बच्चों का पालन पोषण का जिम्मा गुड़िया पर आ गया। ससुराल छोड़कर वापस अपने मायके लौटने का फैसला कर लिया। सर बाधाएं ना पूछो, बाधाएं बहुत आती हैं मेरी जैसे जीवन में, फिर लेडीज में तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन मैं उन बाधाओं का झटके सामना करते हुए निकल जाती हूँ। मुझे कोई बाधा असुविधा नहीं समझ में आती आज तक। सिलाई का काम करके घर का गुजारा करना शुरू किया। इसी दौरान गुड़िया की मुलाकात भारती सचान से हुई, जो श्रमिक भारती नाम के NGO की सदस्य थी। इस NGO के साथ जुड़कर गुड़िया गांव में सौर ऊर्जा के जरिए अंधेरे को दूर करने के प्रयास में जुट गई। इस अभियान के तहत गांव के लोगों को एक सोलर पैनल, 2 LED बल्ब, 1 मोबाइल चार्जर और 1 सोलर चूल्हा दिया जाता है। गुड़िया पर इस किट को फिट करने और उन्हें सुधारने का जिम्मा है। सोलर में एक सिस्टम आता है, उसी को मैं सेट करती हूं। उसी के साथ वो अपना ऑन ऑफ करते हैं, मैं सारा सिस्टम बता के आती हूँ। सेटलमेंट सिर्फ मैं ही करती हूँ, और अगर वो अपने आप से करेंगे तो खराब हो सकता है। पैनल सेट करती हूँ, बैटरी सेट करती हूँ, बल्ब सहित बिल्कुल इन्वर्टर बैटरी और बल्ब भी हम कीली लगा के गाड़ के करते हैं, कि ताकि मेरी जो मेरा जो सिस्टम है उसको हम ये नहीं समझते कि मेरा नहीं है, मैंने दे दिया मेरा नहीं है। मैं अपना समझ के सारा सिस्टम बराबर बनाती हूँ, जिससे लोगों को लाइट मिलती है। अगर कभी उसमें कमी आती है तो मेरे पास सूचना भेजते हैं, मेरे पास सूचना आती है, मैं जाती हूँ उसको फिर सही करती हूँ। गांव के लोगों ने भी गुड़िया की मेहनत देखी है, साइकिल से लेकर स्कूटर तक के उसके सफर में साथ रहे हैं, और ये सोलर दीदी आज पूरे इलाके में बदलाव का प्रतीक बन चुकी है। गुड़िया को श्रमिक भारती संस्था की ओर से 4,000 रुपए वेतन मिलता है, जिससे वो अपने 3 साल के बेटे और 6 साल की बेटी का लालन पालन कर रही है। पिछले वर्ष मेरे यहाँ श्रमिक भारती में एक प्रोजेक्ट आया था सोलर पे, वहाँ पे सारे लड़के ही लिए जा रहे थे, और मैं उस समय स्वयं सहायता समूह में काम करती थी। तो जब मीटिंग करने जाती थी तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गांव थे, समस्याएं भी थी। उससे मुझे ज़्यादा ये था कि मैं शायद ज़्यादा अच्छा कर लूँ। मैंने सर से कहा मुझे भी रख लो। सर ने कहा कि लड़कियां इस काम को कैसे कर सकती हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जो लड़कियां ना कर सके, इस काम को मैं करूंगी, और मैंने इस काम को यहां तक पहुंचाया। अपनी मेहनत और लगन से समाज में अपनी अलग जगह बनाने वाली गुड़िया ना सिर्फ नारी शक्ति की मिसाल है, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रसार करने की सरकार के लक्ष्य को भी आगे बढ़ा रही है। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें उन पर अभिमान है। अपने आसपास की तस्वीर बदलने में जुटी हुई गुड़िया उन सब महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं, जिन्होंने अपनी मुश्किलों और कठिनाइयों को पीछे छोड़कर अपना व्यवसाय शुरू किया और आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। हमारे अगले एपिसोड यानी कल के एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे देश की बेटियों के सशक्तिकरण और उन्हें समाज में सम्मान दिलाने की मुहिम में जुटी देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी से। बस आप देखना न भूलिएगा, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो।